इस एडवेंचरस और रोमांचक कहानी की शुरुआत में हमें लूसी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ एक बहुत ही बड़ी कंपनी के सामने खड़ी हुई थी। दरअसल लूसी पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करती थी और उसका दोस्त भी कुछ इसी तरीके के इलीगल काम किया करता था। अब लूसी का दोस्त उसे एक काम देते हुए कहता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से इस सूटकेस को बिल्डिंग के अंदर जाकर मिस्टर जैंग नाम के एक आदमी को देना होगा और इन सारी चीजों के बदले हमें $1,000 मिल रहे हैं। लेकिन लूसी मना करने लगी कि इतने कम अमाउंट के लिए वो ये काम बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि इस काम में उसकी जान को खतरा हो सकता था, तो एटलीस्ट $10,000 तो देने ही चाहिए। लूसी ने तुरंत ही ये काम करने से मना कर दिया, लेकिन उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और उसे अपना काम निकलवाना आता था। लूसी के दोस्त ने तुरंत ही एक हथकड़ी उसके हाथ में बांध दी जिससे कि वो सूटकेस बंधा हुआ था और अब मजबूरी के मारे लूसी को ये काम करना ही होगा, नहीं तो ये सूटकेस ओपन नहीं हो सकता। लूसी का दोस्त सिंपली कहता है कि तुम अंदर जाओगी और मिस्टर जैंग नाम के आदमी को ये सूटकेस लौटाकर वापस आ जाओगी, सिर्फ तुम्हें इतना ही करना है। लूसी तो अब मजबूरी के मारे बिल्डिंग के अंदर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर जैंग के बारे में पूछती है, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्त को देखा तभी अचानक उसे किसी ने जान से मार दिया था। बिल्डिंग के अंदर भी अब कई सारे एजेंट्स आ चुके थे जिन्होंने लूसी को पकड़ लिया और एक दूसरे कमरे में लेकर जाने लगे। लूसी तो चिल्लाते ही रह जाती है लेकिन वो अब किसी की सुनी नहीं रहे थे। फिर बाद में हमें पता चला कि ये सभी लोग मिस्टर जैंग के आदमी हैं और मिस्टर जैंग ने ही लूसी के दोस्त को जान से मरवा दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोनों उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। मिस्टर जैंग जो बहुत ही ज्यादा बड़े बिजनेसमैन और पावरफुल आदमी थे, उन्होंने कई सारे इलीगल काम और मर्डर किए होते हैं, लेकिन आज तक ये सारी बातें किसी के सामने ही नहीं आई। अब वो सभी लोग लूसी को एक कमरे के अंदर बंदी बना लेते हैं जिसके बाद मिस्टर जैंग उसके पास आकर पूछ रहे थे कि इस सूटकेस के अंदर क्या मौजूद है। लूसी तो डरते हुए कहती है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ये तो मुझे मेरे दोस्त ने दिया था जो मुझे मिस्टर जैंग को डिलीवर करना था। मिस्टर जैंग ये सुनकर थोड़ा सा चौंक गए कि आखिर ये कौन है जो मुझे ये सूटकेस डिलीवर करना चाहता है, आखिर सूटकेस के अंदर क्या मौजूद हो सकता है। इसीलिए मिस्टर जैंग लूसी को एक पेपर पे सूटकेस के लॉक ओपन करने का कोड दे देते हैं और वहाँ से दूर हट जाते हैं। उन्होंने लूसी से कहा कि अब तुम ये कोड डालकर सूटकेस को ओपन कर दो क्योंकि मुझे पता करना है कि अंदर क्या चीज मौजूद है। लूसी अब पहले से और ज्यादा डरने लगी क्योंकि उसे लगने लगा था कि इस सूटकेस के अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं। मिस्टर जैंग का तो सिंपल जवाब था कि शायद तुम्हारे दोस्त ने बॉम्ब भी रखा होगा जो शायद मेरी जान लेना चाहते हो। लूसी इसकी बात कहने लगी कि मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती और मुझे यहाँ से प्लीज जाने दो। ये बात सुनने के बाद मिस्टर जैंग के सारे एजेंट्स अपनी बंदूक तानकर उसकी तरफ खड़े हो गए थे। इसीलिए मजबूरी के मारे लूसी को वो कोट डालकर सूटकेस ओपन ही करना पड़ा। जैसे ही लूसी सूटकेस को ओपन करती है तब उसके अंदर ब्लू कलर के 4 पैकेट्स मौजूद थे। ये तो बहुत ही अजीब टाइप के ड्रग्स होते हैं जिनका असर काफी ज्यादा होता था। अब यहाँ जब मिस्टर जैंग और उसके साथियों को पता चला कि इसके अंदर कोई बॉम्ब नहीं है तब वो उसे देखने आ गए। सबसे पहले वो टेस्ट करना चाहते थे कि ये ड्रग्स किस तरीके से काम करता है, इसीलिए उन्होंने एक आदमी को बुला लिया और उसे ये ड्रग्स लेने के लिए कहा। वो आदमी ड्रग्स कंज्यूम तो कर लेता है लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी हालत खराब होने लगी थी। वो तो एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगा था और लूसी को काफी अजीब तरीके से देखता है। मिस्टर जैंग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये ड्रग्स किस तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए अब उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और लूसी के सामने ही उस ड्रग्स लिए हुए आदमी को जान से मार दिया। जिसके बाद मिस्टर जैंग लूसी से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। लूसी को इतना अंदाजा हो गया था कि जरूर उसकी जान खतरे में है, इसीलिए वो बार बार दोहराते जाती है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी। साइड में खड़ा हुआ मिस्टर जैंग का एक आदमी तुरंत ही वहाँ आता है और लूसी को एक पंच मार के बेहोश कर देता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है जिसके बाद एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी की कमिटी दिखाई जाती है। वहाँ पर एक प्रोफेसर सभी को स्पीच दे रहे थे। प्रोफेसर तो सभी को पूरी दुनिया के डेवलपमेंट के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने दिमाग का सिर्फ 1% हिस्सा यूज कर सकते हैं। प्रोफेसर कह रहे थे कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो अपने दिमाग का सिर्फ 3% ही हिस्सा यूज कर पाते हैं, लेकिन हम इंसान जो एक लेवल अप हैं वो पूरे 10% हिस्सा अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं। इसी वजह से हम बाकी जानवरों से काफी ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन रिसर्च में पता लगाया गया कि समुद्र में रहने वाली डॉल्फिन्स अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज कर सकती हैं, यानी कि वो एक तरीके से हम इंसानों से भी काफी ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर हम इंसान भी किसी भी तरीके से अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करने लगे तो हम पूरी तरीके से अपने बॉडी को कंट्रोल में करना सीख लेंगे, और यही अगर हमारे दिमाग को यूज करने का परसेंटेज 40 हो जाए तो हम सामने वाले इंसानों की मन की बातें पढ़ सकते थे और उन्हें कंट्रोल कर सकते थे। यानी कि अभी हमें अपने
दिमाग की कई सारी चीजों को पता करने की जरूरत है। हालांकि कमिटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रोफेसर की बातों को एकदम बेतुका समझ रहे थे, लेकिन तभी एक लड़का क्वेश्चन पूछता है कि अगर क्या हो कि कोई इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज करने लगे। तब जाकर प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, शायद ऐसा कभी हो गई नहीं, और अगर हो गया तो हम इंसान इतने ज्यादा डेवलप हो जाएंगे कि सोच भी नहीं सकते। अब सीन शिफ्ट होता है लूसी के ऊपर, जो अपनी आंखें खोल रही थी। लूसी को अपने पेट पर काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उसके पेट पे किसी ने कट मार दिया था। लूसी अपने आसपास जब मेडिसिन के इक्विपमेंट देखती है, तब उसे लगने लगा कि शायद इन सभी लोगों ने मेरे कोई बॉडी ऑर्गन्स निकाल लिए हैं। थोड़ी देर के अंदर लूसी को कई सारे लोग लेने चले आए थे और उसे पकड़कर मिस्टर जैंग के सामने रख देते हैं। लूसी यहाँ से बहुत ज्यादा डर रही थी कि उसे ये लोग कहीं मार न दें। लेकिन थोड़ी देर में पीछे से एक डॉक्टर आता है और लूसी को समझाता है कि हमने तुम्हारा कोई बॉडी ऑर्गन नहीं निकाला है, बल्कि हमने तो तुम्हारे पेट के अंदर वही ब्लू टाइप के ड्रग्स के पैकेट्स डाल दिए हैं। लूसी की तरह और भी कई सारे लोगों को बंदी बनाकर लाया जाता है जिनके भी पेट में वही ड्रग्स मौजूद थे, और अब उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से ब्लू टाइप के ड्रग्स को अलग अलग जगहों पर डिलीवर करना था। लेकिन अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी की तो उन सभी के पेरेंट्स को जान से मार दिया जाएगा। सभी लोगों को उनकी लोकेशन बताकर वो रेडी करने लगे थे उन्हें भेजने के लिए। लूसी और बाकी लोगों के मुंह के ऊपर काला कपड़ा बांध दिया जाता है जिससे कि वो कुछ देख न पाए, और अब लूसी को एक कमरे के अंदर ला दिया जाता है। लूसी के सामने कुछ लोग मौजूद थे जहां तक उसे ड्रग्स के पैकेट डिलीवर करने होते हैं, लेकिन वो आदमी तो ड्रग्स के ऊपर ध्यान न देकर लूसी से काफी बदतमीजी करते जा रहा था। लूसी जब मना करती है और उस आदमी को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, तो उस आदमी ने गुस्से में आकर लूसी के पेट पर काफी ज्यादा मारना स्टार्ट कर दिया। वो इतना ज्यादा मारता है कि लूसी एक समय पर बेहोश ही हो गई। लेकिन इतना ज्यादा मारने के कारण लूसी के पेट में जो भी सारे ड्रग्स मौजूद थे वो फट जाते हैं, और अब वही ब्लू टाइप के खतरनाक ड्रग्स लूसी के पूरे ब्लड में मिल गए थे, जो धीरे धीरे पूरे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। लूसी की आंखें और उसकी ब्लड वेसल्स भी एकदम से चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वो किसी तरीके के डेवलपमेंट प्रोसेस में हो। कुछ ही देर के अंदर लूसी अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई और कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां पर एक आदमी आता है जो लूसी से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार लूसी ने बिना डरे उस आदमी को जान से मार दिया होता है। वो जल्द से जल्द कमरे से बाहर निकलती है और अपने हाथ में एक गन लेकर एक एक करके सभी को मार देती है। लूसी तो बड़े स्टाइल से टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी थी, पर उसे कंधे पर एक गोली लग गई होती है। लेकिन इस बार लूसी जरा भी रिएक्ट नहीं करती और अपने हाथ डालकर ही उस गोली को निकाल लेती है। ऐसा लग रहा था कि लूसी को अपने बॉडी पर जो भी चोट लग रही थी उसका उसे कुछ दर्द ही नहीं हो रहा होता है। लूसी अब अपने सारे कपड़े पहनकर वहां से बाहर निकल गई और एक आदमी को मारकर ड्राइवर के पीछे बैठ जाती है, जहां पर वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच गई। यहां देखने से ही पता चल रहा था कि लूसी पहले जैसी नहीं रह गई है। लूसी तो फिलहाल के लिए हॉस्पिटल में घुसकर एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई और जिस पेशेंट का डॉक्टर इलाज कर रहे थे उसके सारे रिपोर्ट्स को देखने लगी। लूसी तुरंत ही समझ जाती है कि इसे कौन सी बीमारी है और उस पेशेंट के पास कितना टाइम बचा हुआ है। लूसी ने तुरंत ही गन निकाली और उस पेशेंट को मार दिया। लूसी तो उन्हें कहने लगी कि ये पेशेंट कुछ ही समय में मरने ही वाला था, तो आप सभी का काम मैंने आसान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार लूसी को ये सारी चीजें पता कैसे चल रही थी। दरअसल इसका रीजन होता है वो ब्लू कलर का ड्रग्स जो उसके बॉडी में मिल चुका था, और अब लूसी का दिमाग 10% से इंक्रीज होकर 20% तक आ जाता है, यानी कि वो अपना दिमाग 20% यूज कर पा रही थी, जिससे कि लूसी अपने आसपास की सारी चीजें महसूस कर पाती है और अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाती है। लूसी ने तो अब सारे डॉक्टर्स को गन पॉइंट पे लेते हुए कहा कि मेरे पेट में जो ड्रग्स है उसे जल्द से जल्द निकालो। यहाँ पर अब डॉक्टर्स को और कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो लूसी का ऑपरेशन करने लगे थे। लूसी बिना एनेस्थीसिया लगाए हुए ऑपरेशन कराती है और अपनी मॉम को कॉल लगाकर बात करती है। वो अपनी मॉम से कह रही थी कि मुझे सारी चीजें महसूस हो रही हैं। इस पूरी दुनिया में हवा से लेकर पानी बहने की आवाजें ये भी अच्छे से सुनाई दे रही थी। लूसी तो अपने मॉम से कह रही थी कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं, और मैं इन सारी चीजों के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे छोटे से इतना काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। अब वो सारे डॉक्टर्स लूसी की परमिशन लेकर उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने पेट में से वो सारे ड्रग्स बाहर निकाल लिए थे। डॉक्टर देखते ही समझ गए थे कि ये सारे ड्रग्स बहुत ही हाई मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि अगर ये ड्रग्स लूसी की बॉडी में मिल चुके हैं तो लूसी अब तक जिंदा कैसे है। लूसी को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन वो इतना जान गई थी कि वो कुछ ही टाइम के अंदर मर जाएगी।
इसीलिए अब अपना ऑपरेशन होने के बाद वो तुरंत ही वहां से निकल गई। लूसी तो सबसे पहले मिस्टर जैंग और उसके लोगों के पास चली जाती है जिन्हें की वो लगातार मार रही थी, और अब वो सीधा मिस्टर जैंग के सामने खड़ी होती है जो आराम से मजे कर रहा था। लूसी ने तो तुरंत ही दो चाकू लिए और उसके हाथों पर मार दिया, जिसके बाद लूसी मिस्टर जैंग से पूछने लगी कि आखिर तुमने उन सारे लोगों को कहां पर भेजा है जिसकी बॉडी में उसी की तरह ड्रग्स मौजूद थे। मिस्टर जैंग तो कह रहा था कि इस बारे में तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा, बट अगले मोमेंट में लूसी ने मिस्टर जैंग के सर पर हाथ रख दिया और उसके दिमाग की सारी बातें जानने लगी, जैसे कि वो उसके दिमाग को पढ़ पा रही थी। अब अपनी नेचुरल शक्तियों का यूज करने के बाद लूसी इस बात का पता लगा लेती है कि मिस्टर जैंग ने उन सभी मासूम लोगों को कहां भेजा है डिलीवर कराने के लिए। दरअसल उन्हीं खतरनाक ड्रग्स के कारण लूसी की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी, और अब लूसी अपने दिमाग का 20% से ऊपर वाला हिस्सा भी यूज कर पा रही होती है, यानी कि वो लोगों के मन की बात बड़ी आसानी से जान लेती। अब सारा इन्फॉर्मेशन निकालते ही वो चली आई थी अपने बहुत ही पुराने दोस्त के पास, जिसका लैपटॉप लेके वो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। लूसी को तो इससे पहले टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन वो लैपटॉप इतनी प्रोफेशनल तरीके से यूज कर रही होती है जो किसी इंसान के बस की बात नहीं। उसने अपने इस ड्रग और दिमाग की एबिलिटीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, और अब लूसी को उसी प्रोफेसर के बारे में पता चलता है जिसका नाम सैमुअल था। लूसी को जब पता चला कि प्रोफेसर सैमुअल इतने सालों से दिमाग की एबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो उनकी सारी रिसर्चेस को पढ़ने लगी। और अब कुछ ही देर के अंदर लूसी प्रोफेसर सैमुअल को कॉल करके ये कहती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ ली है और इन सारी चीजों को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ। प्रोफेसर सैमुअल समझ रहे थे कि शायद ये मजाक कर रही है, क्योंकि उसकी रिसर्च को करने के लिए कई साल लग चुके थे और किसी नॉर्मल इंसान को इतनी सारी चीजें याद रखना एकदम नामुमकिन होता है। लेकिन अगले मोमेंट में लूसी अचानक सैमुअल की टीवी पर आ गई और उसे कंट्रोल करने लगी। दरअसल अब लूसी अपने दिमाग का 28% हिस्सा यूज कर पा रही थी, यानी कि वो अपने आसपास मौजूद सारी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें यूज कर सकती है। अब लूसी ने प्रोफेसर सैमुअल को बताया कि आपकी रिसर्च में जो भी चीजें लिखी हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। मेरे बॉडी में कुछ ऐसे ड्रग्स मिल गए हैं जिससे कि मेरा दिमाग को यूज करने की परसेंटेज अपने आप बढ़ते जा रही है, और अब मैं आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ और पता करना चाहती हूँ कि इसका मैं क्या करूँ। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द आकर मुझे मिलो। लूसी तो कुछ ही टाइम में अपना भेष बदल कर एयरपोर्ट पर आ जाती है, पर उसे समझ में आ चुका था कि वो दूसरे लोग जिनकी बॉडी में अभी भी ड्रग्स मौजूद थे वो भी प्लेन का यूज करके दूसरे देश जा रहे होते हैं। इसीलिए अब लूसी ने एयरपोर्ट पर मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स को कह दिया था कि इन लोगों के बॉडी में ड्रग्स मौजूद है और इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। लूसी ने तो अपने दिमाग की एबिलिटी यूज करके उन तीनों के फोटोज भी भेज दिए थे, जिसे फॉलो करते हुए सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया था, और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लूसी तो अब बिना कोई टेंशन लिए एयरप्लेन के अंदर जा रही थी, लेकिन अब वो अपने दिमाग का 40% हिस्सा यूज कर पा रही होती है। ये स्टेज पर आने पर लूसी की पूरी बॉडी डिटोरिएट होने लगी थी, यानी कि वो एक तरीके से पूरा धूल मिट्टी में मिलने लग जाती है। लूसी बहुत ही ज्यादा घबरा कर वॉशरूम की तरफ भागने लगी और अपने आप को बंद कर लेती है। उसने तो अपने बैग में रखे सारे ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो बीच में ही बेहोश हो गई, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरीके से छोटे छोटे मिट्टी के कणों में मिल जाती है। यहीं पर सीन ब्लैंक हो गया था। लूसी को तो अब हॉस्पिटल में ला दिया गया था, जहां पर वो अपनी आंखें खोलती है। लूसी को अब एहसास हो रहा था कि वो अपने दिमाग का 50% हिस्सा यूज कर सकती है, यानी कि वो पहले से और भी ज्यादा अपग्रेड हो गई थी। अब उस जगह पर एक इंस्पेक्टर और उसकी पूरी टीम आ जाती है, जिन्हें की लूसी के ऊपर नजर रखने के लिए कहा गया था। उन्हें लगा कि लूसी ने अपने बॉडी के अंदर कोई बॉम्ब लगा कर रखा हुआ है, इसीलिए जब लूसी बाहर निकलती है तब पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके ऊपर गन तान दी थी। यहां लूसी जो अपने दिमाग के 50% का हिस्सा यूज कर पा रही थी, वो एक ही इशारे में इंस्पेक्टर के सारे दोस्तों को बेहोश कर देती है, क्योंकि प्रोफेसर सैमुअल ने साफ साफ बताया था कि अगर इंसानी दिमाग अपना 40% हिस्सा यूज करने लगे तब वो दूसरे लोगों को बड़ी आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकता था, और यहाँ लूसी भी ऐसी ही चीजें कर पा रही थी। लूसी तो इंस्पेक्टर से कह रही होती है कि मुझे तुम उन सभी के पास लेकर चलो जिन तीन लोगों को तुमने ड्रग्स के मामले में एयरपोर्ट से पकड़ा था। इसीलिए अब इंस्पेक्टर लूसी को कार में उस जगह पर ला देता है जहाँ उन तीन अपराधियों को पकड़ा गया था। उन्हें एक एक करके सर्जरी के लिए अंदर लेकर आया जाता है, जिससे कि उनके पेट में मौजूद सारे ड्रग्स को बाहर निकाला जा सके। यहाँ लूसी ने अब बाहर की तरफ नोटिस किया कि वो सारे सिटीजंस के फोन कॉल्स बड़ी आसानी से सुन पा रही थी, यानी कि अब उसके दिमाग की शक्ति टेक्नोलॉजी को भी बीट करके काफी आगे बढ़ चुकी थी। इन्हीं सारी चीजों से लूसी को पता चल जाता है कि मिस्टर जैंग के भी आदमी अब हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, जो शायद उन सभी लोगों के पेट में से वो ड्रग्स निकालना चाहते हैं।
लूसी तो अब तुरंत ही इंस्पेक्टर के साथ अंदर की तरफ जाने लगी, जिसके सामने मिस्टर जैंग के लोग खड़े हो जाते हैं। उन लोगों ने तो लूसी के ऊपर फायर भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लूसी का लेवल अब इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो उन्हें बिना टच किए मारते जा रही थी। उसने सबसे पहले सारे हथियारों को ऊपर की तरफ फेंक दिया और बाकी लोगों को हवा में उड़ा दिया। एक एक करके वो इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाती है और अब उसने सूटकेस ले लिया था जिसके अंदर ड्रग्स के पैकेट्स मौजूद थे। लूसी तो अब पुलिस इंस्पेक्टर को सारे ड्रग्स दे देती है और उसे अपने साथ में चलने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर ने तो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देख ली थी कि वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत है, लेकिन लूसी यहाँ पर जवाब देती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी रिमाइंडर की तरह याद रखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ अब हमेशा रहोगे। लूसी और वो इंस्पेक्टर कार के अंदर बैठकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी मिस्टर जैंग ने लूसी को वहाँ से जाते हुए देख लिया था, इसीलिए अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर मिस्टर जैंग ने अपने बेस्ट फाइटर्स को उसके पीछे लगा दिया। लूसी फिलहाल के लिए इंस्पेक्टर के साथ प्रोफेसर सैमुअल से मिलने जा रही थी। यहाँ सैमुअल ने तो अपने सारे प्रोफेसर्स और टीचर्स को बुला लिया था जिन्हें कि वो लूसी से मिलवाना चाहते थे। थोड़ी देर में ही लूसी प्रोफेसर के सामने आ जाती है और अपने सारे एक्सपीरियंस को बताने लग जाती है, लेकिन उन सभी लोगों में से एक प्रोफेसर लूसी की बातों पर भरोसा ही नहीं करता, इसीलिए लूसी उस दूसरे प्रोफेसर के ऊपर हाथ रख के बताने लगती है कि कई साल पहले तुम्हारी 6 साल की छोटी बेटी का एक्सीडेंट होने की वजह से वो मर गई थी। ये बातें कहने के बाद ही वो प्रोफेसर काफी चौंक गया क्योंकि इस बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। सारे डॉक्टर्स लूसी की इन बातों पर भरोसा करने लगे थे। लूसी तो अब प्रोफेसर सैमुअल के साथ साथ बाकी सभी लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी थी कि आखिरकार इंसानी दिमाग के परसेंटेज को यूज करने की क्षमता बढ़ने के बाद क्या होता है। लूसी का दिमाग इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि वो अपने हाथ को अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स में बदल ले रही थी। साथ ही साथ वो एक हाथ से दो हाथ, दो हाथ से तीन हाथ बना लेती है। वो किसी भी चीज को उड़ा सकती थी अपने दिमाग की शक्ति की मदद से। जिसके बाद लूसी कहने लगी कि मैथमेटिक्स और नंबर्स बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। ये तो सिर्फ इंसानों ने अपने समझ के लिए बनाई थी, बल्कि रियलिटी में ऐसी कोई चीजें होती ही नहीं। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल एक क्वेश्चन करते हैं कि आखिर अगर मैथमेटिक्स नहीं होगी तो कैलकुलेशन वाली सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती थी। तब जाकर लूसी सभी को समझाने के लिए एक एग्जांपल देती है। उसने बताया कि एक कार लगातार गोल गोल घूम रही है, लेकिन एक समय बाद उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होने के बाद वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। बट रियलिटी तो ये थी कि अभी भी वो कार गोल गोल घूम रही है, यानी कि ये पूरी चीजें सिर्फ और सिर्फ टाइम से रिलेटेड है। स्पेस टाइम ही वो चीज है जो इंसानों को बनाती है और उनकी सारी चीजों की करती है। वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर्स और प्रोफेसर एकदम चौंक गए थे लूसी की इन एबिलिटीज को देखकर। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये होती है कि अब उस लेबोरेटरी के अंदर मिस्टर जैंग के कई सारे लोग आ गए थे और इन लोगों को तो लूसी को जान से मारने का आदेश दिया गया था। मिस्टर जैंग के लोगों ने देखते ही देखते पूरी लेबोरेटरी को चारों तरफ से घेर लिया होता है और अब तो उनके पास एडवांस वेपन्स भी आ गए थे। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि वो सभी लोग अंदर आते जा रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। तभी लूसी उन सारे प्रोफेसर से कहती है कि मेरे बॉडी के अंदर बचे हुए सारे ड्रग्स के डोज इंक्लूड कर दो, क्योंकि मैं अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज करके एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर मेरे सारे एक्सपीरियंस और वो सारे डेटा स्टोर होंगे जो इंसानों को फ्यूचर में जाकर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लूसी ने तो प्रोफेसर सैमुअल के ऊपर काफी भरोसा करके ये डिसीजन लिया था, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे बचने के चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे। पर ये बात तो लूसी को शुरुआत में ही पता थी कि इन ड्रग्स के साथ वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाली। एटलीस्ट वो अपनी सैक्रिफाइस करके इंसानी सभ्यता के लिए काफी अच्छे काम तो करेगी, इसीलिए अब सारे प्रोफेसर लूसी के बॉडी में वो ड्रग्स इंक्लूड करने लग जाते हैं। अब यहाँ से लूसी अपने दिमाग का 70% हिस्सा यूज कर पा रही थी। वो तो अब अपने आसपास मौजूद सारे मेटल की चीजों से एनर्जी इकट्ठा करने लगी जो एक ब्लैक मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, और अब वो ब्लैक मैटर चारों तरफ फैलकर एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने लगा था। धीरे धीरे ड्रग्स का डोज बढ़ता जा रहा था तो लूसी की शक्तियां भी काफी इम्प्रूव होती जाती हैं, और अब वो अपने दिमाग का पूरा 80% यूज कर पा रही थी। लूसी की भी पूरी बॉडी ब्लैक मैटर के अंदर कन्वर्ट होने लगी, जिससे कि वो पूरा सुपर कंप्यूटर बनाने लग जाती है। और अब इस लेवल पर पहुंचने के बाद लूसी ने तो टाइम ट्रेवल भी करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जा रही थी। इन सारी चीजों का तो लूसी को भी भरोसा नहीं होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे सब कुछ समझते जा रही थी। और अब दिमाग का 90% हिस्सा यूज करने पर लूसी तो टाइम ट्रेवल करते हुए पास्ट में चली गई। वो तब के समय में पहुंच जाती है जब पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान नहीं मौजूद था और पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। एक डायनासोर तो लूसी को देख
देखकर लगातार उसकी तरफ हमला करने चला आता है। लेकिन लूसी फिर से समय में पीछे चली गई थी और अब उसके सामने एक बंदर मौजूद होता है जो धीरे धीरे डेवलप होकर इंसान बन रहा था। लूसी भी समझ गई थी कि ये वही समय था जहां पर इंसान धीरे धीरे खुद को डेवलप कर रहे थे, लेकिन फिर भी इंसानी दिमाग को 10% डेवलप होने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। अब यहां से लूसी अपने दिमाग का पूरा 99% हिस्सा यूज कर पा रही थी, जिससे कि अब वो पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी की जनरेशन का प्रोसेस देख पा रही होती है। यानी कि लूसी के अंदर एक तरीके से ऐसी पावर्स आ गईं जो कि गॉड के पास होती हैं। यानी कि किसी प्लैनेट और ब्रह्मांड को बनाना और उन्हें नष्ट होते हुए देखना। लूसी तो अपने बॉडी को बिल्कुल भी महसूस ही नहीं कर पा रही थी, जैसे कि वो दूर कहीं स्पेस टाइम में मौजूद हो। पर अब उस लेबोरेटरी के अंदर जहां लूसी की बॉडी 100% की तरफ बढ़ रही थी, वहां मिस्टर जैंग आ जाता है जिसने गन पॉइंट कर दिया था लूसी के ऊपर। लेकिन ठीक अगले ही मोमेंट में यहां लूसी ने अपने पूरे 100% दिमाग को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि लूसी की फिजिकल बॉडी एकदम से गायब हो जाती है और अब वो चारों तरफ फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर भी जल्द से जल्द वहां आकर अपनी गन से मिस्टर जैंग को जान से मार देता है। लूसी अब ब्लैक मैटर में कन्वर्ट होकर एक पेन ड्राइव बाहर निकालती है जिसके अंदर उसके सारे डेटा मौजूद थे और सुपर कंप्यूटर इसी से चलने वाला था। लूसी तो ये पेन ड्राइव प्रोफेसर सैमुअल को दे देती है क्योंकि वो इसका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे और इन्हीं सारी चीजों के लिए ही तो लूसी ने अपना सेक्रीफाइस किया था। इंस्पेक्टर तो लूसी से पूछने लगता है कि आखिर तुम कहां पर मौजूद हो। तभी इंस्पेक्टर के मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आई एम एवरीवेयर, यानी कि मैं सब जगह पर मौजूद हूं। यानी कि लूसी अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज करने पर स्पेस टाइम में एकदम खो गई थी, जिससे कि अब उसे अपने फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होती। यानी कि वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक बड़ी आसानी से जा सकती है और कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। एंड में ये बताया जा रहा था कि जब से इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई है, तब से ही उनके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर मौजूद था जो उनका खुद का दिमाग होता है। लेकिन हाल ही में मौजूद इंसानों ने अपने दिमाग का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया और पैसे कमाकर आगे बढ़ने के लिए किया। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो अपने दिमाग का और भी ज्यादा प्रतिशत हिस्सा यूज करके इंसानी सभ्यता के लिए काफी अच्छे काम कर सकते थे। और इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।